हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, हम इस समय पाइथन का प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम जो है इफ़ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो इफ़ स्टेटमेंट का ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम नंबर 18 है, अर्थात 18 है, जिसमें आज हम जानेंगे कि किन्हीं दो वर्ड्स को ऑर्डर में करना, अर्थात हम यूजर से दो वर्ड जो है इंटर करवाएंगे और उन दो वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल, अगर आप सपोज करिए कोई यूजर यहाँ पे इनपुट कर रहा है मैंगो, ठीक है ना, और ये तो पहला वर्ड हुआ। उसी तरीके से दूसरा वर्ड वह इनपुट कर रहा है रैट, तो यहाँ पे आप डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन सा आना चाहिए, रैट आना चाहिए या मैंगो आना चाहिए। तो ए से लेकर के ए बी सी डी ऐसे जो डिक्शनरी ऑर्डर बनते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमको प्रिंट करना है। तो चलिए प्रोग्राम्स को पहले बना लेते हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट भी आपको साथ में ही समझाते चलते हैं। तो यहाँ पे हम दो वर्ड्स को इनपुट कराने के लिए दो वेरिएबल ले रहे हैं। एक वेरिएबल हमने लिया ए नाम का, और यहाँ पे हम यहाँ पे मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे हम इंट नहीं लगाएंगे, इंट नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको वर्ड्स इनपुट कराने हैं, अर्थात स्ट्रिंग करानी है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनपुट करा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैसेज दिया कि इंटर फर्स्ट वर्ड, कोई भी फर्स्ट वर्ड जो है यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा, जो ए में जाकर के स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से बी में भी हम क्या करते हैं, दूसरे वर्ड को यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। तो मैंने मैसेज दिया इंटर सेकेंड वर्ड, तो यहाँ पे दूसरा वर्ड भी यूजर क्या कर लेगा, इनपुट करा लेगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ पर कंपेरिजन कराएंगे, चेक करेंगे हम कि इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी या फिर ए लेस देन बी। इसका मतलब क्या है कि ए में जो वैल्यू आएगी, जो भी वर्ड आएंगे, वह बी से अगर छोटे होंगे तो प्रिंट क्या करेगा। तो मैं चाहता हूं कि प्रिंट करे पहले ए वाला, ठीक है, फिर बी वाला। इसके बाद फिर से मैं एक बार और इफ़ लगाता हूं। यहां पे मैं कंडीशन दूंगा कि इफ़ बी इज लेस देन ए, यानी इस बार क्या होगा, अगर बी छोटा है तो क्या प्रिंट हो। तो मैंने मैसेज दिया कि पहले बी प्रिंट हो जाए, फिर आपका क्या प्रिंट हो, ए प्रिंट हो। तो इसी प्रोग्राम्स को लेकर के अभी हम पहले इसको रन करवा लेते हैं, देख लेते हैं प्रोग्राम हमारा सही है या नहीं। तो हमने इसको रन करवाया, तो यहाँ पे हम पूछ रहा है दीजिए वर्ड, हमने दिया मैंगो, फिर मैंने दिया रैट। तो देखिए हमको इनपुट करके क्या दिया, मैंगो और रैट। तो इस बार एक बार फिर से हम इसको इनपुट कराते हैं, तो मैंने ऊपर दिया रैट और नीचे दे दिया मैंगो, तो देखिए क्या आ रहा है, मैंगो और रैट, अर्थात एम पहले आता है आर की अपेक्षा, तो प्रोग्राम हमारा सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से एक बार हम रन करवाते हैं। जैसे किसी का नाम हम यहाँ पे देते हैं सुनील, फिर हम कोई दूसरा नाम देते हैं रमेश, तो अब देखिए क्या आ रहा है, पहले आर आता है अर्थात रमेश आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे रमेश को प्रिंट कर दिया और सुनील को बाद में प्रिंट किया। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, तो कॉन्सेप्ट ये है आपका इसमें यूज किया गया कि ये यूनिकोड से रिलेटेड है। अब यूनिकोड क्या होता है, अगर आपने ASCII कोड पढ़ा होगा या ASCII कोड जानते होंगे, ये उसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर के 256 के बीच में, ठीक है, उन्हीं के बीच में क्या करता है, ये यहाँ पे होता है। तो अब प्रत्येक जो यूनिकोड होते हैं, उन प्रत्येक यूनिकोड का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर आप ए बी सी डी की बात करते हैं तो कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए जो होते हैं आपके, उनके अलग अलग यूनिकोड होते हैं। जैसे अगर आप कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए का जो मान होता है वो आपका होता है 65 और स्मॉल ए जो होता है वो होता है 97। ये इससे शुरू होते हैं। अब उसी तरीके से जो भी आप यहाँ पे लेटर डाले हैं, उस लेटर के अकॉर्डिंग वो चेक कर रहा है उनका यूनिकोड कि कौन सा यूनिकोड छोटा है। जो छोटा होगा उसका जो अक्षर होगा, उसका जो वर्ड होगा, वो पहले प्रिंट करके आपको दे देगा। तो ये प्रोग्राम्स आपका यहाँ पे बन चुका है कि जो दिए गए दो वर्ड्स हैं उन दोनों वर्ड्स को क्या करना, डिक्शनरी ऑर्डर में प्रिंट कराना। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्रोग्राम्स को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।